हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से पंकज जी के पब्लिकेशन चैनल में। तो अब आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इससे पहले मैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे चुका हूँ। ठीक है, वीडियो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मेरी आ चुकी है बेटा, और अभी जो वीडियो आ रही है, जो इस कोरोना के टाइम पे जो वीडियो आ रही है, क्योंकि कोरोना का इतना इफेक्ट हो चुका है, कहीं भी आप जा नहीं सकते हो, आपको भी पता है, जाओगे तो पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो इसलिए मैं भी नहीं कहीं जा रहा, मैं खुद ही एडिट कर रहा हूँ, कहीं खुद ही बना रहा हूँ। तो अगर कोई भी कमी दिखती तो आप कमेंट कर सकते हो, वैसे आपको प्रॉपरली सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे मैं एक एक चीज बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ बेटा। ठीक है, और बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूँ, बेस से लेके चल रहा हूँ, आपको एक एक चीज अच्छी आएगी, और अच्छे कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन भी बता रहा हूँ लास्ट तक। और इसका एक मिसलेनियस का पार्ट और आएगा, बस इसकी दो तीन चीजें और रह गई, फिर नंबर सिस्टम हम खत्म कर देंगे। नंबर सिस्टम मैंने बहुत हद तक आपको करा दिया, अब इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो बचेगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं, चलो गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे मान लो एक सीरीज मैंने ले ली यहाँ पे 5, 10, 20, और इस तरीके से मैंने ये सीरीज ले ली। ठीक है, यहाँ पे आगे आके 40 हो जाएगा, और आगे आके मतलब जो सीरीज है मैंने ये ले ली। अब ध्यान देना, इसमें होता है एक फर्स्ट टर्म, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, वो ये होता है, ए से डिनोट करते हैं, एसे डिनोट करते हैं, वो होगा 5। ठीक है, और वहां पे कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ पे कॉमन रेशियो होगा, वहां पे सर्वांतर होता था, यहाँ पे सर्वानुपात होगा। ठीक है, ये होगा कॉमन रेशियो, सर्वानुपात। ठीक है, सर्वानुपात, इसमें रेशियो समान होगा किसका, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ठीक है, द्वितीय पद बटे प्रथम पद, तो 10/5 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और nवे पद का फॉर्मूला क्या होता है, tn बराबर होता है ar^n-1, nवा पद। ठीक है, nवा पद। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है ये। अब अगर मान लो मुझे 10वा पद निकालना है, ठीक है, 10वा पद निकालना है, तो 10वा पद क्या होगा, ए आर की पावर 10-1 मतलब 9, यही होगा। ठीक है, 10-1 मतलब 9, तो ये होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे ए कितना है, 5, ए कितना है प्रथम पद, 5, कॉमन रेशियो क्या है, 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कितना होगा, 512। ये बेटा आप याद करके रखना, 2 की पावर 10 तक, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, ये आप याद करके रखना। इसको मैंने इससे इंटू किया ये, फिर ये 6 और ये 25। ठीक है, तो t10 कितना आ गया, मतलब 10वा पद कितना आ गया, 2560। ठीक है, 10वा पद कितना आ गया, 2560। इसी तरीके से आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो अच्छे से। ठीक है, अगर मान लो मेरे को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के और टर्म बनाने, तो कैसे बनाएंगे देखना ध्यान से। अब देखोगे आप, जैसे मान लो ये nवा पद था, ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, tn ar^n-1, ये फॉर्मूला है nth टर्म का। ठीक है, nवे पद का फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है nवे पद का। अब ध्यान देना, अगर मान लो मुझे दूसरा पद चाहिए कोई भी श्रेणी का, ठीक है, कोई गुणोत्तर श्रेणी का, कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मुझे सेकंड टर्म चाहिए, तो n की वैल्यू 2 रख दूं मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में, तो ar^2-1 मतलब 1। ठीक है, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे लिख देते। अगर मान लो n=3 रखूं, मुझे थर्ड टर्म चाहिए, अगर पूरी सीरीज की तीसरा पद चाहिए, तो ar^3-1 मतलब 2। अगर मान लो n=4 चाहिए, मतलब फोर्थ टर्म चाहिए, तो t4 रखूंगा, और ar^4-1 मतलब 3। अगर फिफ्थ टर्म चाहिए, ठीक है, तो ar^4। तो इसी तरीके से हम टर्म बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी। और एक और, अगर सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला है, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, n पदों के योग का फॉर्मूला क्या होगा, Sn बराबर होता है ar^n-1 और r-1। ठीक है, ar^n-1 और r-1। ठीक है,
ये क्या है, एन पदों के योग का फॉर्मूला है। कुछ लोग कहते हैं कि आर अगर बड़ा होगा एक से तो ये लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो हम टेंथ में करते थे कि आर बड़ा होगा तो ये लगेगा, फिर अगर आर छोटा होगा एक से तो फिर ये फॉर्मूला वन माइनस आर की पावर एन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर इससे भी करोगे तो माइनस यहाँ आएगा, माइनस यहाँ आएगा, कॉमन लेके कट जाएगा, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फॉर्मूले से काम चल जाएगा, ठीक है। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ये जरूर याद रखना, अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग, ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ये जरूर याद रखना, वन माइनस आर, ठीक है, ए अपॉन वन माइनस आर, ये फॉर्मूले का बहुत यूज है, इसके क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, फॉर्मूलों को याद रखना, इन्हीं फॉर्मूलों पे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ध्यान देना, ठीक है। अरे दोस्तों, तो देखोगे आप एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक क्वेश्चन उसी से बन के दूसरे तीसरे क्वेश्चन किस तरीके से टाइप बने हैं एक ही क्वेश्चन से, कैसे हैं, जैसे मान लो अपने पास ये है 9.99.999, ठीक है, और ये n तक गया, कहां तक गया, n तक, तो इसका सम बताना है। अगर ये 100 तक गया होता तो 100 का बताते, लेकिन इसका सम बताना है, हमें कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले देखना मैं क्या करता हूं, इसको मैं 10 माइनस 1 लिख लेता हूं, ठीक है, फिर इसको मैं क्या लिखता हूं, 10 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इन सबका सम चाहिए मुझे। सम कैसे, जैसे मान लो 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 9 9 9 9 4 टाइम्स 9 10, अब इसका सम चाहिए, तो क्या करता हूँ मैं 10 माइनस 1 लिख लेता हूँ, फिर 10 की पावर 2 माइनस 1 लिख लेता हूँ, 10 की पावर 3 माइनस 1 लिख लेता हूँ, इसको 10 की पावर 4 माइनस 1 लिख लेता हूँ, और n लिख लिया, ठीक है। अब 10 की पावर में कॉमन ले लेता हूँ, 10 की पावर में 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस 10 का 4, ठीक है। और आप एक बार याद रखना है, माइनस वन माइनस वन माइनस वन में माइनस वन माइनस माइनस वन माइनस वन माइनस वन एन तक है, ये भी एन तक है और ये माइनस वन भी एन तक है, ठीक है। ये जो 10 की पावर एन तक है, 10 की पावर एक तो गया है एन तक, अगर मैं ये लेता हूं 10 की पावर एन, ठीक है, और यहाँ पे ये है माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ये भी मेरा कहां तक गया है, एन तक गया। अब आप याद रखना ये मेरी क्या बन गई, ये जीपी बन गई मेरी, जीपी देखो इसमें अगर मैं इसका भाग देता हूँ 10 आता है, इसमें मैं इसका भाग देता हूँ तो भी 10 आता है, तो जीपी बन गई। अब जीपी में इस टर्म का सम क्या होगा, एन टर्म का सम, एन तक गया हुआ है, ठीक है, क्या होगा, मैंने आपको बताया था सम का टर्म क्या होता है, सम क्या होता है टर्म्स का, एस एस एन इक्वल्स टू क्या होगा, ए आर की पावर एन माइनस वन और वन माइनस आर, सॉरी आर माइनस वन, ये होता है, ठीक है, ये है आपका बेसिक फॉर्मूला। तो आप देखोगे पहला टर्म क्या है 10, और यहां पे क्या है 10, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो अगर हम निकालेंगे, ये कॉमन रेशियो मैंने निकाला तो 10 का स्क्वायर अपॉन 10 बराबर 10, ठीक है, तो 10 की पावर एन माइनस वन अपन ने 10 माइनस वन मतलब 9, और ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन चला जा रहा है एन तक। तो आप एक बात याद रखना कि ये माइनस वन है, ये माइनस वन है, ये माइनस वन है, अगर मैं इन तीनों को ऐसे लिख देता हूं तो मैं किसको क्या लिखूंगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ये जोड़ के कितना हो जाएगा, माइनस का 3, या फिर जितनी बार माइनस है, माइनस वन की जितनी बार है उसका इंटू कर दो 3 बार है तो माइनस 3 हो जाएगा, ऐसे ये क्या है माइनस का 1 एन बार है, तो मैं ये माइनस एन कर दो, सीधे एन का इंटू कर दूंगा माइनस के वन में, तो एन, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी, ठीक है। तो एन पदों का योग क्या हो जाएगा, एन पदों का योग इसमें ये हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मान लो इसमें कुछ और, ये इधर कुछ और होता तो इसी से, बस आपको ये बेसिक चीज याद रखनी है, अगर वो बोल देगा यहाँ पे 100 पदों का योग तो एन की जगह पे 100 रख देना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, अगर बोलता है 90 पदों का योग तो यहाँ पे 90 रख देना तो आंसर आ जाएगा। वैसे बेसिक फॉर्मूला ये भी बहुत बार पूछा गया तो इसको याद रखना।
अब आप सिर्फ इसको याद रखना, इसके बाद वाली प्रोसेस अगर 999 ऐसे दिख जाए तो डायरेक्ट आप ये याद रख लेना अगर ये दिख जाए, लेकिन वो देता और किस तरीके से, तो आप पहले तो इसको लिख लो, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, जैसे मान लो अब ये बन गया 1111111 4 times 1, इसका सम चाहिए, एन टर्म का सम चाहिए हमें इसका, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा 9 से इंटू कर देता हूँ सबको, मुझे इसका सम चाहिए ऐसे 1 + 1 + 1 + 1 ये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी सीरीज को, मैं पूरी सीरीज को 9 से इंटू करता हूँ, 9 से डिवाइड करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे ये पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा, तो 9 से इंटू करने वाला 9 बार इधर, इसको 9 + 9 + 9 ये। और देखो अभी अभी आप लोग इसका सम अभी अभी सीख चुके हो क्या होगा इसका सम, ठीक है। इसके सम का फॉर्मूला क्या होगा, मैं अभी अभी आपको बता पाया, 10 10 की पावर n - 1 और 9 - n ये बता चुका हूं मैं, ठीक है। अकाउंट में 9 होगा, तो ऐसे भी पूछ सकता है, ये भी आंसर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 5 देगा तो 5 को कॉमन ले लो, फिर 1 1 हो जाएगा, 9 10 × 9 का डिवाइड देंगे तो 5/9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं, एक दो क्वेश्चन में और बताता हूँ इसी पे, ठीक है, इसी पे क्वेश्चन क्या होगा, और 2-3 क्वेश्चन में और रिपीट करता हूँ, ठीक है। एक देखना बेटा इस टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जीडी में ये 5 5 ये इस तरीके से। अब इसको कैसे करेंगे, ये एन तक गया हुआ है, कैसे करेंगे, तो 5 + 5 5 5 5 ठीक है, 5 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1 1 1 1 ये बचा। अब मैं क्या करता हूँ, 9 से इंटू करता हूँ, 9 से डिवाइड करता हूँ, तो 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 से सब में इंटू कर दूंगा, तो 9 बना दो सब, 9 से अंदर इंटू कर दिया मैंने, ये 9 बना दिया। और इस चीज का सम मैं अभी अभी आपको निकालना बता चुका हूँ क्या होता है, 10 × 10 की पावर n - 1 9 - n ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, आप देखोगे पुरानी किरण में आप उठा के देखोगे एसएससी के ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मैं कुछ और नई चीजें इसमें बताता हूँ, एक दो क्वेश्चन और अच्छे बताता हूँ, देखना। हेलो दोस्तों, तो अब देखना आप, मैं अब आपको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म पढ़ाने वाला हूँ, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, अनंत पदों का योग, ये फॉर्मूला याद रखना। आधे से ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको जब ये स्टार्ट कराया था तभी बताया था कि इस फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन बनने वाले, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं जो कुछ थ्योरी से लगते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो एपी जीपी की क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और उनमें इनफाइनाइट टर्म ही निकालना पड़ता है। अब मैं आपको नए नए क्वेश्चनों से रूबरू कराता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है, ये तो आपको पता ही होगा, ये सीधे सम लगा हुआ है, मतलब इनफाइनाइट टर्म का सम चाहिए, तो आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ये है, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो क्या होता है, ये अपॉन ये 1/2 / 1 मतलब 1/2, ठीक है, या ए अपॉन ये तो भी 1/2 ही आएगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, क्योंकि इनफाइनाइट तक सम गया है, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो क्या है 1/2, तो 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 - 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1/1/2, और ये हो जाएगा 2, ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म का सम होगा, अनंत पदों का योग होगा इस श्रेणी के, ठीक है। मैं कुछ और नए नए क्वेश्चन लेके आता हूँ, देखना आप कुछ और नए क्वेश्चन बताता जाता हूँ, ठीक है, इसी में। हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे ये भी उसी टाइप के दोनों क्वेश्चन है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म बताना है हमें, अनंत पदों का योग, तो आपको पता है ये क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना क्या आंसर आया है, ठीक है, मैं आंसर बता दूंगा इसका। मैं ये इस क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं अगले टाइप पे चलूंगा, ठीक है। इसके मैं यहाँ पे देखता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे करा देता हूँ। देखो एक की वैल्यू क्या है, 1/3, फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, कॉमन रेशियो क्या आएगा,
ये अपॉन ये, तो ये भी 1/3 आएगा कॉमन रेशियो। कैसे मैं बता देता हूं, देखना यहाँ पे कैसे आएगा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो होता है, मैंने बोला था सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो सेकंड टर्म क्या है, 1/3 की पावर 2 मतलब 9, ठीक है, अपॉन में 1/3, ये इससे कट जाता है तो 1/3 तो आएगा, ठीक है, ये 1/3 आएगा, ये आंसर नहीं है सॉरी, ठीक है, ये 1/3 कॉमन रेशियो। अब यहाँ पे आपको पता है अनंत पदों का योग क्या होगा, ए ए की वैल्यू 1/3 और 1 माइनस इसकी वैल्यू 1/3 होगी, तो ये कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1/3 इनफाइनाइट टर्म का सम। इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट टर्म का सम हो जाएगा यहाँ पे 1/3 और ये हो जाएगा 2/3, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, अपॉन के अपॉन वाला कट जाता है, ठीक है, और ये 1/2 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 1/2। तो अनंत पदों का योग क्या होगा इसका, ये होगा अनंत पदों का योग, ठीक है। ऐसे ही जो अभी अभी मैंने जो क्वेश्चन दिखाया वो भी आप कर सकते हो, जो मैंने क्वेश्चन अभी अभी बताया था, ठीक है, वो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये किस तरीके से करना है। देखो इससे पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था, मैंने बोला था उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, तो 5/4 उसका आंसर है, कितना है 5/4, जिसका आ गया वो बता देना, हम बता देंगे, ठीक है। अगर किसी को पूछना आप कमेंट कर सकते हो, बता देना, हम बता देंगे, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे ये भी उसी टाइप की सीरीज है, ठीक है, जीपी है, क्योंकि इसमें अगर मैं इसका डिवाइड करता हूँ तो भी एक ही रेशियो आएगा, अगर मैं इसमें इसका डिवाइड करता हूँ तो भी 1/7 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे, अगर मैं ये 2/7 में मैं 2 का डिवाइड करता हूँ तो ये क्या आएगा, 2/7 इंटू 2 मीन्स क्या हो जाएगा, 1/7, कॉमन रेशियो क्या आएगा 1/7। अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म आपको पता ही है, ए कितना है, ए फर्स्ट टर्म और 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1/7, इसको मैं सॉल्व करूंगा 2/6/7, 7 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पे अपॉन के अपॉन में आएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ये कटेगा 3 टाइम्स, तो कितना आएगा 7/3, इसकी इनफाइनाइट टर्म का सम है, ठीक है। ये आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं बेटा, इसी टाइप से चीजें आती है। अब इसमें कुछ और एक दो क्वेश्चन और अच्छे बनते, वो भी मैं बता रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखो बेटा, अब आप देखोगे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये भी जीपी का ही क्वेश्चन है और इसमें मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो ये सम है। कैसे, देखो आपने ये पढ़ा होगा x की पावर n और x की पावर m, तो बेस सेम है, आधार समान ही, बातें जुड़ जाएंगी, बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे, m प्लस n हो जाता है कि नहीं, ठीक है, ये चीज इतनी चीज आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। बस मैं आपको यही अब बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये सारे बेस सेम है, आधार समान है, तो इनकी घाते तो जुड़ जाएगी, तो 3 पे पावर क्या आएगा, 1+1/2+1/4+1/8 और ये इनफाइनाइट तक आएगा, ठीक है। और आपको अभी अभी ये चीज मैं पहला क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, इस क्वेश्चन के अनंत पदों का योग क्या आया था, ठीक है, आपको मैं ये करा चुका था, ये प्लस ये 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इस तरीके से मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूं पहला, ठीक है। इसमें मैंने ये किया था अनंत पदों का योग, ये प्रथम पद था 1 और कॉमन रेशियो क्या आएगा, 1/2/1, मतलब कॉमन रेशियो आएगा 1/2, तो 1 माइनस 1/2 ये ऊपर पहुंचेगा तो 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 2, तो 2 मैंने पावर लगा दी, ठीक है, 2 क्या लगा दी, इसका पूरे का सम क्या आएगा 2 आएगा, इसका पूरे का सम 2 पावर लगा दी, 3 की पावर 2 मतलब 9 इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 9 होगा। इसी तरीके के कुछ और 2-3 क्वेश्चन और मैं लेके आ रहा हूँ, ध्यान देना और कराते हैं। अब देखोगे आप एक दो क्वेश्चन और अच्छे करा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखोगे 2-3 क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं आगे आता हूँ 5 की पावर ये है 1 और फिर 5 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/9 और 5 की पावर 1/27, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 1/3, 1/1 प्लस 1/3
1/9, 1/27 और ये जाएगा इनफाइनाइट तक। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। अब आपको पता है इस सीरीज को मैं अभी अभी सॉल्व करा चुका हूं, इस चीज को अभी अभी सॉल्व कैसे, अगर मैं इसका प्रथम पद लू 1, ठीक है, और क्योंकि मुझे ये सम निकालना है ना, वही मैं 5 की पावर लगा दूंगा, ठीक है, और आर क्या है 1/3, आर क्या होगा 1/3 सेकंड टर्म माइनस अपॉन फर्स्ट टर्म, तो इसको अपॉन में रखेंगे, 1 का कोई डिफरेंस नहीं है, ये क्या होगा 1a/(1-r), तो ये कितना है 1 1-3, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3/2 हो जाएगा, कितना होगा 3/2 हो जाएगा, वहां पे आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 5 की पावर कितना हो जाएगी 3/2, क्योंकि अनंत पदों का योग कितना है बेटा, अनंत पदों का योग है 3/2, ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 की पावर इतनी हो जाएगी। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है, कुछ और नए क्वेश्चन में लेके आता हूँ, ध्यान देना। अब दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे कि इस सीरीज का ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका हमें 10 पदों का योग बताना है, इसके 10 पदों का योग बताना है, ये जो गुणोत्तर श्रेणी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो लिखी हुई है, तो 10 पदों का योग क्या होगा, इसका 10 पदों का योग क्या होगा, मैंने आपको एन पदों के योग का फॉर्मूला बताया, अनंत पदों का तो अलग है, एन पदों के योग का फॉर्मूला क्या है, ए आर की पावर एन माइनस वन और आर माइनस वन, ये बताया मैंने, तो ध्यान देना a कितना है, a बराबर हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, r बराबर हो जाएगा 2/1 मतलब 2, ठीक है, ये हो गया, अब यहाँ पे रख दो बस, ये कितना हो गया 1, ठीक है, 10 पदों का, और n बराबर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 10 पदों का योग, ठीक है, ये 1 और 2 की पावर 10 माइनस 1 और 2 माइनस 1, तो यहाँ पे देखोगे 1 2 की पावर 10 1024 होता है, माइनस एक मैंने बोला था कि 2 की पावर 10 तक याद करके रखना आपको बहुत काम आएगा, ठीक है, ये 1 तो ये कितना हो गया 1023 हो गया, ये आपका सम आ गया, ठीक है। अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन और मैं देता हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो जो 2-3 क्वेश्चन में लास्ट और लूंगा, फिर इसको मैं समाप्त करूंगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे ये थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से बोला है यहाँ पे कि द सेवंथ टर्म ऑफ अ जीपी इज 8 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म, व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 48, बोलना है किसी गुणोत्तर श्रेणी का सातवां पद चौथे पद का 8 गुना है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा यदि पांचवा पद 48 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा पांचवा यदि पांचवा पद 48 है, तो ध्यान देना मैंने आपको ये चीज बताई थी यहाँ पे कि पदों को कैसे बनाते हैं, अगर सातवां पद में बनाता हूं तो सातवां पद क्या होगा T7 क्या होगा a r की पावर 6, ठीक है, सातवां पद ये होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, बोला है जो सातवां पद है ये क्या है 8 गुना है चौथे पद का, ठीक है, तो चौथे पद का कितना है 8 गुना, ये तो पहले से ही 8 गुना, चौथे पद को 8 गुना करना पड़ेगा तभी तो चौथा पद इसके बराबर आएगा, ध्यान देना, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ सातवां पद कैसे लिखेंगे, ए आर की पावर 6 8 और ये क्या है ए आर की पावर 3, ठीक है, ये 3 है, ये मैंने काट दिया 3 बचा, ए से मैंने ए काट दिया, आर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 8 और आर बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, आर बराबर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ये होता है 2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कटेगा और 2 आ गया, आर आ गया, ठीक है। और पांचवा पद क्या है, बोला है पांचवा पद T5 कितना है 48, तो a प्लस 4t a इनटू r की पावर 4 होता है पांचवा पद 48, ठीक है। अब यहां पे देखना a r कितना है, ये 2, 2 की पावर 4 में लगाऊंगा 48, a बराबर 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 हो गया 16, ठीक है, 16 की ये होते हैं 48 और a बराबर आ गया 3 और प्रथम पद ही हमें निकालना था इसका, ठीक है, क्या निकालना था प्रथम पद हमें निकालना था। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, मैं कुछ और नए नए क्वेश्चन देता हूँ, मैं इसमें उतने अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आप सोचोगे यहाँ पे किस टाइप के भी सर क्या क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं बेटा, देखो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। अरे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार कुछ पेपर में देखा होगा, जब भी आप देखते हो यहाँ पे अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द हाइट ऑफ
5000 मीटर ऑन अ ग्राउंड द बॉल इज बाउंस्ड 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स ईच लास्ट बाउंस देन कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल टिल इट स्टॉप। बोला है एक गेंद 5000 मीटर ऊंचाई के नीचे 5000 मीटर ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंकी जाती है, तो गेंद प्रत्येक बार पिछली छलांग का 4/5 उछलती है, तो गेंद रुकने तक कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो गेंद जब रुक जाएगी तो कितनी दूरी तय करेगी, तो अब आप देखना यहाँ पे हमें करना क्या है, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन करना है देखना। तो क्वेश्चन किस तरीके से करना है, आप देखोगे जैसे मान लो ये 5000 मीटर की ऊंचाई है, यहां से गेंद ये ग्राउंड लेवल है, ये गेंद फेंकी जाती है 5000 मीटर की ऊंचाई से, ठीक है, फेंकी जाती है, फिर जब ये उछलती है तो 5000 का 4/5 छलांग मारती, मतलब कितना हो जाएगा 4000 मीटर ऊपर जाती है, ठीक है, फिर 4000 नीचे आती है, जब 4000 ऊपर गई होगी तो 4000 नीचे आई होगी, फिर इस 4000 का फिर से 4/5 मारती है, तो ये कितना होगा 320 ऊपर जाती है, 3200 मीटर ऊपर जाती है और 3200 नीचे आती है। तो आप देखना यहाँ पे जैसे 5000 मीटर था, 5000 मीटर फिर 4000 मीटर उछाल करी, फिर 4000 मीटर नीचे गई, ठीक है, और फिर 3200 मीटर ऊपर आई और 3200 मीटर ही नीचे जाएगी। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड कर देना और इन दोनों को ऐड कर देना। तो बेटा जो जो बाउंस करती है, जो रेशियो में बाउंस करती है वो कॉमन रेशियो होता है, क्या होता है कॉमन रेशियो, वो होता है 4/5 कॉमन रेशियो, आर की वैल्यू होती है वो, ठीक है। तो इसको मैंने ऐड कर लिया 9000 और इसको ऐड कर लिया 72000। आप देखोगे ये अपॉन ये करूंगा तो भी ये चीज आएगी, अगर मैं ये अपॉन ये करूंगा तो भी मुझे ये चीज मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गई किसी भी जीपी की, ये जीपी का फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और कॉमन रेशियो आपको बताइए इनफाइनाइट टर्म का, जब तक ये रुकेगी तो अनंत तक चल चुकी होगी, पता नहीं हमें कहां तक चलेगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, अनंत पदों का योग क्या होता है, ए ए कितना है 9000 और 1 - r 4/5, तो ये कितना होगा, ये इसमें से घटेगा 5 ऊपर जाएगा, तो 45000 मीटर की डिस्टेंस चल चुकी होगी, कितनी दूरी चल चुकी होगी 45000 मीटर की दूरी चल चुकी होगी। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई होगी, नहीं आई तो वीडियो को रिपीट करना। अब बेटा इससे अच्छे क्वेश्चन अब बन नहीं सकते, जो क्वेश्चन में बनते हैं, जो बन सकते थे क्वेश्चन पहले भी बन चुके हैं, मैं उसी लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा अच्छा सा, फिर उसके बाद हम इस जीपी को खत्म करेंगे, ठीक है, फिर मैं रिलेशन बताऊंगा दोनों में। हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ वो आप हिंदी में लिखना, हिंदी मीडियम वाले आप क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है, बार बार लिखने में बेटा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, टाइम भी मेंटेन करके चलना पड़ता है हमें। बोला है यहाँ पे द साइड ऑफ अ स्क्वायर, मैं हिंदी में बोलूंगा पूरा क्वेश्चन, आप अच्छे से हिंदी मीडियम वाले नोट कर सकते हो, देखो द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर मेड बाय द जॉइनिंग ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर्स, देन कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ ऑल इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ध्यान देना, बोला है एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर अनंत वर्ग बनाए जाते हैं, इसके मध्य बिंदुओं को वर्ग के अंदर उनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर, ठीक है, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर अनंत वर्ग बनाए जाते हैं, तो उन अनंत वर्गों का, उन सभी अनंत वर्गों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा, तो वो हमें बताना, ध्यान देना। देखो पहले क्या होगा, जैसे आप देखोगे ये है स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है स्क्वायर, ठीक है, 16 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे ये इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट है ये, मिड पॉइंट है ये, पूरी 16 है तो ये 8 बचा, ये भी 8 बचा, तो ये क्या हो जाएगी, अगर ये 90 डिग्री ये 8 है तो ये 8√2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये कितनी है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, बड़ा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ, देख लेना, ठीक है, ये बड़ा सा मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ बेटा, ठीक है, ये साइड में मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है,
ये साइड में मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये मैंने इसके मिड पॉइंट को मिलाया, मिड पॉइंट को मिलाया, मिड पॉइंट को मिलाया, मिड पॉइंट को मिलाया, ठीक है। फिर इसके मिड पॉइंटो को मिलाया, इसके मिड पॉइंटो को मिलाया, फिर एक वर्ग बनाया, फिर इसके मिड पॉइंटो को मिलाया ऐसे, फिर एक वर्ग बनाया, और ऐसे अनंत वर्ग बना। तो आप सबसे पहले देखना यहाँ पे, अगर ये मिड पॉइंट मिलाई पूरी 16 है तो ये 8 होगी, ये 8 होगी, और ये लंब और ये आधार है तो ये कर्ण होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बेस है तो ये हाइपोटेनस होगी, और ये 8√2 होगी, ये क्या होगी 8√2। तो अंदर वाले स्क्वायर की साइड क्या है 8√2, बाहर वाले स्क्वायर की साइड क्या है 16, बाहर वाले पहले की साइड कितनी है 16, अंदर वाले की क्या है 8√2, और इनका एरिया क्या हो जाएगा, अगर मैं एरिया करूं तो एरिया क्या हो जाएगा, ये 256 होता है और ये 64 दूनी कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ये 64 दूनी, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 128, ठीक है, ये 128 हो जाएगा। तो आप देखो ये ऐसे करके अनंत क्षेत्रफल निकलेगा अनंत वर्गों का, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ए बराबर क्या है 256, ठीक है, आर बराबर क्या है 128/256, ठीक है, ठीक है ना, आर बराबर क्या है 128/256, इसको मैं दो बार काटूंगा 1/2 आ जाएगा, और अनंत पदों का योग क्या होता है, अनंत पदों का योग प्रथम पद और 1 - सर्वांतर, ये काटूंगा ये एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा ऊपर जाके इंटू होगा 56/512, अनंत पदों का योग क्या आएगा इससे इंटू करूंगा तो 512 आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी चीज अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रिपीट करना है और बार अच्छे से नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से लिखना है बेटा, ठीक है। और सभी लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, कोरोना का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और इसको मजाक में बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। बस भगवान से ये जल्दी से दुआ करो कि जल्दी से जल्दी ये चीजें जल्दी हट जाएं, क्योंकि इस पे इकोनॉमी पे भी हमें बहुत फर्क पड़ने वाला, हमारी इकोनॉमी भी बहुत इफेक्ट होने वाली है। तो जितनी कम समय में ये प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे हो सके अपन लोगों को सपोर्ट करना है, पीएम साहब ने जो बोला है हम लोगों को घर पे रहना है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है, घर पे रहके पढ़ो बेटा, कुछ नहीं रखा है बातों में, ठीक है, खुर पे आ जाने हाथों में बता रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है, आराम से, बहुत अच्छा टाइम मिला है, पढ़ने का टाइम मिला है, ठीक है, आग लगा दो, इतना पढ़ जाओ, पढ़ते पढ़ते पूरा दिन हो जाएगा, पढ़ते रहिए, ठीक है। अब कुछ सोचते यार क्या पढ़ना है इतना पढ़ के, तो बेटा जिसको जॉब चाहिए ना वो पढ़ लेगा, जिसको नहीं चाहिए वो तो कल भी मोबाइल चला रहा था, आज भी टिकटॉक बनाएगा और टिकटॉक बनाता ही रहेगा, ठीक है। तो टिकटॉकों में तुम्हारी जिंदगी ऐसी निकल जाएगी, याद रखना, ठीक है, और तुम भी एक समय पे टिकटॉक बन जाओगे और टिकटॉक की तरह ही हिलते रहोगे, है, चलो ठीक है भाई। अब मैं इसके बाद मिक्स्ड सीरीज लेके आऊंगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है।